हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं अरविंद वर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल खाना खजाना विद अरविंद। और आज की हमारी जो डिलीशियस रेसिपी है वो है बालू स्याही। क्योंकि दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो मिठाई के सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ मीठा बनाते हैं। बालू स्याही की रेसिपी मैंने दी है, वीडियो को लास्ट तक देखिए रेसिपी किस तरीके से बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए जो चैनल पर नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने पहले भगोने को चढ़ा दिया है गैस पे, और उसमें 500 ग्राम तक मैंने चीनी ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद जितना चीनी ऐड किया है उसके हाफ अमाउंट का मैंने पानी ऐड कर दिया है। मैंने एक बाउल में भर के चीनी डाला था और हाफ बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसको बढ़िया से चलाते रहें जिससे चीनी बराबर मेल्ट हो जाए, नीचे चिपके ना। अगर नीचे चिपक गई चीनी तो एक अलग सी स्मेल आ जाएगी जलने की, जो कि बहुत ही बुरी लगती है, अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारी चीनी उबलने लगी है। फ्लेम को हाई ही रखा है मैंने। पहले गलाने के बाद चीनी को ध्यान दें, गला लें चीनी को लो फ्लेम पे भले चला के, फिर फ्लेम को हाई करके आप पका सकते हैं। इस तरीके से जब बुलबुले हमारे बराबर आने लगे तो समझ लीजिए हमारी चीनी, हमारी रसी जो है, सीढ़ा जो तैयार करते हैं, वो बढ़िया से पक चुका है। आप देखेंगे टपक रहा है, वो एक साथ नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब हमारा सीढ़ा तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और उतार देंगे ठंडा होने के लिए। सीढ़ा गर्म नहीं रहना है, इसलिए सीढ़ा पहले ही हम बनाते हैं बालू स्याही के लिए। तो सीढ़े को हमने रख दिया साइड में ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ हमने बाउल ले लिया है, एक बाउल में हम तैयार करते हैं डो बनाने के लिए। तो उसमें घी हमने लिया है, 2 से 3 स्पून घी लिया है, ज़्यादा नहीं। आपको जिस अमाउंट में बनाना है उस अमाउंट में आप बना लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा, बट मैंने 3 चम्मच लगभग घी लिया है। और उतना ही पानी ऐड करता हूँ मैं, 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हो आप, 5 चम्मच ऐड कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा ना ऐड करें। मैंने उतना ही पानी ऐड कर दिया है और 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड किया है। मीठा सोडा आपको चुटकी से ना समझ में आए तो आप यूज कर सकते हो, छोटा स्पून ले सकते हो, हल्का सा जो होता है उससे डाल सकते हो। इस तरीके से मीठा सोडा डाल दिया और थोड़ा सा दही डाला है, 1 से 1.5 चम्मच में दही डाल सकते हैं। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा फ्रेश दही लेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ज़्यादा पुराना दही नहीं होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से फेंट लेंगे, जिससे हमारा जो मीठा सोडा है उसका भी वो भी एक्टिवेट हो जाएगा बढ़िया से, और दही भी बढ़िया से फूट जानी चाहिए, जो उसके गुत्थे हैं वो बढ़िया से फूट जाना चाहिए। घी प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी है और घी है, बढ़िया से मिक्स होंगे नहीं डायरेक्टली, इसलिए इसे चलाना ज़रूरी है। बढ़िया से मैं फेंट लेता हूँ। घी को आप चाहें तो थोड़ा गर्म करके, घी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं घी, आप गरम करके भी घी यूज कर सकते हो एकदम पिघला के, बट पानी डालने पे वो घी थोड़ा सा वैसा हो ही जाता है क्योंकि पानी ठंडा होता है। अब मैंने मैदा लिया है, 2 बाउल, छोटे छोटे बाउल लिए हैं, अप्रॉक्सीमेट ये 150-150 ग्राम, 300 पाव भर मैदा है इसमें। 1 पाव मैदा मैंने ऐड किया है। इस तरीके से इसको बढ़िया से मिक्स कर लें चारों तरफ से, जिस तरह से मोयन देते हैं उसी तरीके से हमें मिक्स करना है प्रॉपरली चारों तरफ से। बढ़िया से मिक्स करके फिर हम इसे गूंद लेंगे। देखिए अप्रॉक्सीमेट मिक्स हो गया है, देन हम हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ये सब निकाल लेंगे, सब निकालने के बाद इसको हाथ से प्रॉपरली मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है इसको मिक्स करने में, बाकी कहीं भी कोई काम नहीं लगा होगा कि दिखाओ बहुत हार्ड है हमारा वो बनाने में बालू स्याही। तो इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप अगर ये ज़्यादा सूखा लगता है आपको तो आप दही यूज कर सकते हो, या पानी भी थोड़ा हाथ में लगा के बढ़िया से मिक्स कर सकते हो। और खूब बढ़िया से मिक्स करना है, रगड़ के चाहे और चाहे हाथ से मर्द के। इससे क्या होगा, हमारी बालू से बहुत ही अच्छी जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट खस्ते टाइप की रेडी हो जाएगी। इस तरीके से हम प्लेट में रख के बढ़िया से मर देंगे।
मैंने पहले भी बताया, अगर ज़्यादा सूखा है आपका आटा तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप हाथ में पानी लगा लीजिए या फिर दही को यूज कर सकते हो मिक्स करने में। इस तरीके से मिक्स करके रेडी कर दिया मैंने आटे को। अब इसको रख देंगे हम 5 मिनट के लिए ढक के, सेट हो जाए हमारा आटा। 5 से आप 10 मिनट रखिए सेट करके, बढ़िया से रेडी हो गया। 10 मिनट मेरा बीत चुका है, रेडी हो गया आप देखेंगे आटा। अब इसकी लोइयां काटना चालू करेंगे हम। इस तरीके से अलग अलग लोइयों में हमने काट लिया है, 2-3 पीसों में। आप छोटे छोटे पीस लेंगे और इसको रगड़ेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा आटा एकदम रेडी है, रगड़ने पे पता चल रहा है टूट नहीं रहा उतनी ज़्यादा। अब दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको रगड़ना है, मतलब हथेलियों को थोड़ा सा तिरछा करके रगड़ना है और इसके बीच में होल करना है। इस तरीके से आप होल आर पार भी कर सकते हो, और होल एक कर देंगे, इससे क्या होता है बढ़िया से हमारा वहाँ से जा करके तेल प्रॉपरली हो जाता है बालूशाही। छोटा छोटा पीस हमने कर लिया है, बहुत बड़ा पीस बनाने पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये फूलता है हमारा ऑयल में जाने पे भी, और उधर जब चाशनी में भी डुबोएंगे तब भी थोड़ा फूलता है। बहुत ज़्यादा बड़ी पीस मुझे बालूशाही की पसंद नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे पीस में ही कट कर रहा हूँ। इस तरीके से सारी हम रेडी कर लेंगे पहले, देन इसको तलेंगे। बढ़िया, इसी तरीके से फटाफट हम रेडी कर लेते हैं पहले। दूसरी तरफ गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, फ्लेम लो ही रखेंगे। मैंने फ्लेम को लो ही रखा है गैस पे, केवल गर्म होने देंगे तेल को ऐसे। और एक थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाला है, वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल लगभग गर्म हो गया है। हमारी गुलाब जामुन की जो पेड़े थे वो भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डालेंगे, इसमें तलने के लिए डालेंगे। देखिए तेल एकदम बहुत ज़्यादा हीट नहीं है कि फटाफट ऊपर हो जाए, तेल को इसी तरीके से एकदम लो फ्लेम पे ही तलना है, क्योंकि हमारी जो लोइयाँ हैं वो मोटी हैं, उनको होने के लिए लो फ्लेम पे ही धीरे 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 होंगी, तभी पकेंगी अंदर तक, नहीं तो अंदर तक पकेंगी नहीं। और आप कहोगे अरविंद आपने बताया नहीं, लेकिन मैं बता सब कुछ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरीके से पकने दीजिए बढ़िया से। देखिए अप्रॉक्सीमेट हमें कलर चेंज सा दिख रहा है, एक तरफ व्हाइट है एक तरफ थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो हम इसको पलट देंगे, सारी बालूशाही को पलट के दूसरी साइड पलट देंगे। देखिए हल्का ब्राउनिश कलर आ रहा है, मैं नेचुरल कलर ही यूज कर रहा हूँ बनाने में। आप चाहें खाने का कलर यूज करते हैं लोग बालूशाही बनाने में, बहुत ही प्यारा लगता है पिंक कलर, बट मैं नेचुरल कलर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास कलर अवेलेबल नहीं या फिर मुझे यूज करना पसंद नहीं। अब देखेंगे सारी हमारी जो बालूशाही है सब ऊपर तैरने लगी है, इसका मतलब ये सारी हो गई है अप्रॉक्सीमेट। आप इनको निकाल सकते हो, और नहीं तो आपको और अंदर और ज़्यादा गाढ़ा कलर चाहिए, डार्क चाहिए, तो आप थोड़ी देर और इसको पकने देंगे तो कलर और अच्छे आ जाएगा। आप देखें चारों तरफ खस्ते की तरह एकदम से हमारी गुलाब बालूशाही रेडी हो गई एकदम से बढ़िया से। हम इसको चाशनी में ऐड कर देंगे इस तरीके से। ज़्यादा लाल ज़्यादा जला हुआ मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो ये पसंद है मैं वो बता रहा हूँ, आपको जितना पसंद है जिस कलर में पसंद है आप उस कलर में ऐड कर सकते हो, ज़्यादा ये नहीं है कि आपको यही करना है। तो आपको थोड़ा सा और लाल करना है लाल कर सकते हो, क्योंकि पक गया होना चाहिए लेकिन अंदर तक। इस तरीके से चाशनी में, चाशनी हमारी थोड़ी सी गर्म है क्योंकि हमने चाशनी पहले से उतार के रख दिया था, हल्की हल्की गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए चाशनी को, तो इस तरीके से हल्की गर्म चाशनी में ही डालेंगे बढ़िया से। इसको पलट के डुबा देंगे चारों तरफ से। अब इसको हम ढक देंगे अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट तक, 5-10 मिनट तक, जिससे क्या होगा हमारी चाशनी उसमें बढ़िया से लबालब डूब जाएगी। देखिए अब हमारा जो गुलाब जो बालूशाही है वो बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है गुलाब जामुन, बट बालूशाही है, बालूशाही बढ़िया से डूब गई है।
अब इसको हम निकाल लेते हैं एक एक करके सारा हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। 10 मिनट तक डूबे रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर में धीरे धीरे हमारा सीढ़ा जाता है। आप चाहें 20 मिनट 25 मिनट तक डुबाए रखेंगे, बढ़िया से सीढ़ा अंदर पूरा भर जाएगा, मज़ेदार लगेगी खाने में। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए प्लेट में मैंने निकाल लिया सारी बालू स्याही, कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है, कितना अच्छा कलर आया है विदाउट कलर डाले हुए। थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। मुझे पिस्ता किसी भी मिठाई में बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी और खाने में तो पिस्ते का स्वाद अलग ही होता है। तो इस तरीके से गार्निशिंग कर दी है मैंने। देखो एकदम परफेक्ट हलवाई के लुक की आई है, आपको कुछ भी नहीं लगा है, केवल मैदा, थोड़ा सा पानी और मीठा सोडा, चीनी, इतने में आपकी आपकी बालू स्याही रेडी हो गई है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पहले तो मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। तो दोस्तों ये रेसिपी आप ट्राई करिए, बहुत ही ईजी है, बनाने में ईजी है। और कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कैसी बनी आपकी रेसिपी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ दिक्कत आई तो वो भी हमें शेयर करिए, हम आपको ज़रूर सजेशन देंगे। कुछ और रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर बना के वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे अगली कोई रेसिपी आती है तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। शेयर करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे अगली कोई रेसिपी आती है तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।